ये देखिए कांग्रेस 15 सीटों पर नगर पंचायत, 544 में से 15 सीटें आउट ऑफ 544 कांग्रेस 15 सीटों पर आ गए नगर पंचायत पे, 544 में से 15। पिछला परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। लोकसभा में कितनी सीटों पर कांग्रेस 17 में से एक पे भी मेयर नहीं बन रहा है, 17 में से एक में भी कांग्रेस आगे पीछे कुछ नहीं है, सपा भी गायब है, बीएसपी आगरा जैसे बताया था मनोज जी ने कि वहां पर है, और नगर पालिका 199 नगर पालिका है उसमें भी कांग्रेस का जो है वो डब्बा सिर्फ छह जगह चल रहा है 200 में से 6, तो परसेंटेज का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये भी अपने 2-5% के बीच जो है अभी कांग्रेस पार्टी नगर निकाय चुनाव में घूम रही है। लेकिन मैं यही सवाल रोहन जी से लेना चाहता हूँ। रोहन जी, 2-5% आप नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं और आप मोदी जी को तभी हटा पाएंगे, राहुल जी तभी आ पाएंगे जब आप उत्तर प्रदेश में 40-50 सीटों पर आप या आपका गठबंधन जीते। क्या उम्मीद देखते हैं आप कांग्रेस के लिए 2024 के लोकसभा की बात कर रहा हूं। बिल्कुल दीपक जी, देखिए एक कांग्रेस पार्टी ने, हर आदमी जब आपकी चुनाव में हार होती है तो आप उसे सीख लेते हैं और भाजपा का कहीं ना कहीं अहंकार ही उनके सामने आएगा। कांग्रेस पार्टी ने एक सीख जरूर ली हिमाचल के बाद में, जो कर्नाटक में हमने और डीप में गई कि आपको लोकल स्थानिक इश्यू पे ही चुनाव लड़ने पड़ेंगे, और यही चीज और भाजपा को एक चीज समझना पड़ेगा। आपको रोक रहे हैं, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कनकपुरा सीट से, डीके शिव कुमार जीत गए हैं, सीएम चेहरा हो सकते हैं, और लगातार कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में सीधी टक्कर है। अब जीत चुके हैं डीके शिव कुमार और एक बहुत बड़े अंतर के साथ, बहुत बड़े अंतर के साथ, ये महत्वपूर्ण बात है। डीके शिव कुमार बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। कनकपुरा वो इलाका जो मैसूर के पास ही है, जेडीएस के नागराजू को उन्होंने हराया है, जेडीएस का अच्छा खासा रहा कनकपुरा में। मैं गया हूँ वहां पर 2-3 इलेक्शन कवर करने और मैंने वहां पे महसूस किया कि पुराने परंपरागत तौर पे, श्री मैं गलत नहीं हूं, तो वहां पर जेडीएस का वोट है, जनता दल का वोट है वहां पर। जीनी